Yes, good morning, and here we are. We are doing lesson number 2, Fun with Numbers, right? So we are on page number 17. Here you can see there were like top 10 scores in the Cricket World Cup. ये मैथमेटिक्स का लेसन 2 है, क्लास 3 का. तो यहाँ पे टॉप 10 स्कोर दे रखे हैं, आप नाम भी देख सकते हैं. नाम इन्होंने आप देख सकते हो कि यूज़ किए हुए हैं, लाइक कैन सी हियर APJ, ASCK, राइट, DM, KSP, ये सब नाम है और ये इनके चिल्ड्रन स्कोर है, ठीक है. तो आप अब देख सकते हैं कि क्वेश्चंस इस डेटा पे आपसे पूछा गया है. ये डेटा दिया है आपको प्लेयर एंड स्कोर का. और एक क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है. CK जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी. तो आप CK को देखिए, CK कहाँ है आपका, CK ये है. CK को देखिए, 99 नंबर बने हैं, 99 होता है, ठीक है. और 99 स्कोर किया CK ने, जबकि सेंचुरी आपकी बनती है 100 नंबर से, ठीक है. तो इसका मतलब CK जस्ट मिस्ड बाय 1, एक नंबर से रह गया सेंचुरी बनाने में. नेक्स्ट आपके डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन, दोनों ने इक्वल रन स्कोर किए. किन दो प्लेयर्स ने इक्वल रन स्कोर किए, तो पहले इक्वल देखिए, यानी इक्वल यानी दो नंबर जो दो स्कोर रिपीट हो रहे हो. आपको कहीं टेबल में 128 दिख रहा है, नहीं. 100 दिख रहा है दोनों में कहीं, नहीं. 99 दिख रहा है, नहीं. 162 कहीं दिख रहा है, नहीं. 152 कहीं दिख रहा है, नहीं. 178, 105 नहीं, 141 नहीं, 112. ये इन्होंने ऑलमोस्ट इक्वल बोला है. ऑलमोस्ट यानी थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है. तो ये दो ही हैं आई गेस जो ऑलमोस्ट इक्वल है, AS एंड CK. तो आप यहाँ लिख देंगे AS एंड CK. आई होप आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स अपनी नोटबुक्स खोल के. थर्ड क्वेश्चन है, डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी नो लेस एंड नो मोर. नो लेस नो मोर यानी 100, यानी आप देख सकते हो AS ने स्कोर किया है आपका पूरा सेंचुरी, 100 नंबर एग्जैक्ट स्कोर किए हैं. मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन, आप देखिए हाईएस्ट मार्क्स किसने लिए हैं, किसने स्कोर किया हाईएस्ट. चलिए 162 के बाद कोई और नंबर दिख रहा है, यस 178 शायद सबसे ज़्यादा है. तो MD नाम आएगा यहाँ, MD, ठीक है. नेक्स्ट, डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम. तो इन दोनों के बीच में एक ही रन का डिफरेंस है, तो फिर आप वही जाएंगे ASCK के पास. आप देख सकते हो एक ही डिफरेंस, एक रन का डिफरेंस है दोनों के स्कोर्स के बीच में. और कोई आपको ऐसा दिखा, या ये भी है APJ एंड VVS, इन दोनों को भी आप देख सकते हैं. तो इस ये भी आंसर हो सकता है, क्यों, क्योंकि APJ और VVS के बीच में भी एक ही नंबर का डिफरेंस है. तो आप लिख सकते हैं APJ VVS, ठीक है, एंड VVS. डैश स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी, तो आप देख सकते हैं 1.5 सेंचुरी बोला है. तो पहले 1 सेंचुरी यानी 100, हाफ सेंचुरी यानी 50, उसमें और ऐड करो 2, तो क्या बन रहा है 152 किसका है बताइए. यहाँ पे 152 है आपका KSP का. तो आप लिख सकते हैं KSP. चलिए ये एक्सरसाइज तो पूरी होती है. होपफुली आपको ये डेटा इंटरप्रेट करना आना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है. वही है कि बेसिकली आपको ये जो डेटा बेटा, इस डेटा पे पूरा ध्यान देना है कि कौन से प्लेयर ने कितना स्कोर किया है. चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे. काउंटिंग इन टेंस, जो कि एक हाईली इन डिमांड कॉन्सेप्ट है जो एग्ज़ाम में आना ही आना है आपको. आप यहाँ भी देख सकते हैं इन्होंने लिखा है काउंटिंग इन टेंस, यानी 10-10 की काउंटिंग में 20, 30, 40, 10-10 का डिफरेंस है. आपने नंबर पैटर्न्स वगैरह क्लास 2 और 1 में से आप करते आ रहे हैं. 10-10 ऐड हो रखा है, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 एंड 90 से 100.
सेम आपको यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना है, 40 आएगा यहाँ, फिर 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100, देखिए 100 लिखा हुआ था, फिर आप लोग ऑलमोस्ट आप लोग आगे कर सकते हैं, 110, आगे क्या आएगा बताइए, यस 120, ठीक है 130, 10-10 के उसमें आप लोग करते चलेंगे, 140, 150, 160, 170, 180, 190 एंड 200, आप देख सकते हैं यहाँ 200 बनाया है मैम। बाकी दो आप अपने आप से खुद से कर सकते हैं, 310 से आप देख सकते हैं 400 तक है, सारे बच्चे कर लेंगे, एंड यहाँ 700 से लेके 800 तक की काउंटिंग आपको लिखनी है। सो आई गेस सारे बच्चे ये जंपिंग जो है ये कर लेंगे। उसके बाद बेटा हम 50s पे आते हैं, 50-50 का डिफरेंस आप देख सकते हैं, 200-250, उसके बाद आएगा आपका 300-350, फिर आपको फिर 50-50 का डिफरेंस है, पैटर्न में आप लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी, 350 में फिर 50 ऐड किए, 50 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 400, 400 में फिर 50 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 450, उसके बाद 450 में 50 ऐड करेंगे तो आएगा 500, 500 में फिर 50 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 550, 550 में 100 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 600, 600 में 50 ऐड कीजिए प्लस, तो आपको दिख रहा है क्या आ रहा है 650, ठीक है, फिर आप 650 में ऐड करेंगे यहाँ 50 तो क्या आएगा, ये देखिए 0+0 क्या होता है 0, 5+5 क्या होता है 10, इसमें ऊपर 1 कैरी, 6+1 यानी 700, आप फिर 700 में 700 में आप फिर करिए 700 में ऐड कीजिए 50 तो आपका क्या आएगा, हाँ 50 ऐड करो तो आएगा 750, यहाँ 0 डालिए, यहाँ 50 आएगा आपका, ठीक है 50 और ये 750, सो आई थिंक सबको ये आ रहा होगा, ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं। ओके आई एम गोना यूज दिस ग्रीन पेन नाउ बिकॉज रेड इज गेटिंग कंफ्यूजिंग हियर। हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस, यू कैन गो अप टू एनी नंबर, आपको नंबर नेम्स करवाए हैं ऊपर है ना, और आप लोग आगे तक चल सकते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट, क्या सबको पता है लार्जेस्ट, चलिए कोई कौन मुझे बताएगा यहाँ क्लास में कि लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 4-digit नंबर, और वहां तक आप 50-50 को जंप करवाइएगा, तो लार्जेस्ट 4-digit आपका होगा 999 या 4×9, 4×9 इज द लार्जेस्ट 4-digit नंबर, क्योंकि आप बेटा अगर इसमें इसमें अभी 999 में यदि आप 1 ऐड कर देंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, सोचिए ये नंबर हो जाएगा 9+1 10 0 1 कैरी, 9+1 0 1 कैरी, 9+1 0 1 कैरी, 10,000, ओके So let's move to the next number. Yeah, this is like very nice favorite activity. सब बच्चों को पसंद आती है इसमें बेटा, आपको कलरिंग करना है, ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, पूरा एक ग्रीन कलर का आपका ये है, आप देख सकते हैं ये रेड कलर का है और ये येलो कलर का है। अब यही बोला है कि जो भी इसमें पैटर्न आप कैलकुलेट करेंगे वो वहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे आप ग्रीन कलर इस डब्बे में भर देंगे जहाँ जहाँ ये नंबर्स आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन वाले कलर से, राइट, आपको पहले पूछा है 140, बेटा 140 क्या होता है 140, ये देखिए 140 मैंने कलर कर दिया,
ठीक है, सुंदर से नहीं हुआ है, थोड़ा इसमें पेन की प्रॉब्लम है होपफुली, बट हाँ एवरी वन कुड अंडरस्टैंड कि ये मैंने कलर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 202। वेयर इज 202? 202, लेट्स सर्च इन द बॉक्स 202। किसी को मिल रहा है 202 यहाँ? ये है 202। ठीक है, 261, 261, 261, दिस इज द सस्टेन कलर। ठीक है, फिर 800, 800, 800, तो ये आपने अच्छे से कलर कर देना है, ग्रीन कलर। ओके, 300 प्लस 70 प्लस 4 क्या होगा? 300 प्लस 70 प्लस 4, तो 0 प्लस 0 प्लस 4 इज 4, 0 प्लस 7 इज 7, 3 एज इट इज, तो 374 कहीं दिख रहा है आपको? 374, यस। नेक्स्ट इज 600 प्लस 50 प्लस 6, दैट विल बी 656। ऐड करके देखेंगे सारे बच्चे मैनुअली पहले खुद से, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया ना, वैसे ही आप ये भी ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं ये कलर हटा नहीं सकती हूँ, कलर हटाऊँगी तो फिर सारा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये करा, 5 प्लस 50 इज 55, 55 प्लस 100 इज 155, यू कैन सी हियर, लेट अस सर्च 155 चिल्ड्रन, वेयर कैन यू सी 155? तो आप देख सकते हैं ये तीनों स्क्वायर एक साथ ग्रीन हो गए। अब मैं चलिए चेंज करती हूँ कलर, वापस मैं रेड पे आ जाती हूँ, ठीक है। रेड में 54, 54 कहाँ दिख रहा है आपको? 54, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? 54। मैंने आपको क्लास 2 में भी हिंदी का कराया था ना, सो लेट्स कलर हेयर रेड 54। 60 किसी को दिख रहा है? यस, दिस इज 60, लेट्स कलर दिस अप। 195, 195, यस, लेट्स कलर इट अप। 555, 555, 555, 642, 600 प्लस 40, 640, 640 प्लस 2 इज 642। हंड्रेड प्लस 70 प्लस 9, 179। 800 प्लस 10, 810। Now next is yellow color and this actually gives you 445. चलिए देखते, ये है 445। ओह, दिस इज अ नाइस येलो। तो इसको पूरा कलर करना है हमें ताकि ये दिखे ना। 16, वेयर क्यू डू वी फाइंड 16? ओके, दिस इज 16। 159, 159, 685, 685, 685, 685, 699, 600 plus 90, 690, 600 plus 90 plus 9, क्या होगा बच्चों? 0 plus 0 plus 9 is 9, 0 plus 9 is 9, 6 as it is, 699, let's see, ये देखो 699 दिख गया मुझे, मैंने इसको कलर कर दिया। 70 प्लस 4 इज 74, 1 प्लस 90 इज 91 प्लस 80, कौन मुझे बताएगा 91 प्लस 80 क्या होता है? सो 1 प्लस 0 इज 1, 9 प्लस 8 इज 17, 171, सो लेट्स कलर दिस येलो, ओके।
सो दिस होल इज़ ओवर, ये कुछ यहाँ पे डिजिट्स आपके बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7. सो लेट्स टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट, होपफुली या आई हैव टेकन स्क्रीन शॉट ऑफ इट, दिस वी हैव डन. ओके लेट्स कैंसिल इट. नाउ वी हैव टू मूव टू जंप इन एनिमल्स, ये भी मैंने आपको क्लास वर्क में दिया था इफ यू रिमेम्बर. गबरू बनी एंड तारू आर जंपिंग ऑल द वे, कहाँ है हमारी गबरू, ये हमारा गबरू, ये हमारी, कलर में चेंज द कलर, लेट्स मी मूव टू द ब्लू, ये हमारी है बनी, ये हमारा है तारू, तमाम. लेट्स गो. सो गबरू बनी एंड तारू आर जंपिंग ऑल द वे, गबरू जंप्स ऑन एवरी सेवन्थ हाउस, आप देख सकते हो 90 के बाद गबरू ने 97 पे मूव किया है. 97 में फिर प्लस 7 करोगे तो गबरू 97 प्लस 7 इज 104, ये यहाँ उछल के आ जाएगा. 104 प्लस 7 इज 111, ये कूद के यहाँ कहीं आएगा बेटा, क्योंकि 111 इसमें दिख नहीं रहा है. बनी ऑन एवरी फिफ्थ बॉक्स, बनी हमेशा पांचवे बॉक्स पे कूदता है, तो बनी पहले 99 में है तो पांचवा बॉक्स क्या होगा बेटा, इट विल बी 104. और नेक्स्ट पांचवा बॉक्स कौन सा होगा बनी के लिए, 109, और उसके बाद तो नेक्स्ट. तरु 105 पे है आप देख सकते हो, तो तरु हर चार डब्बा कूदता है, तो तरु अगर 106 पे जैसे लिखा है इन्होंने, तो तरु कट के 1010 पे लगेगा, ठीक है 110 पे. चलिए आगे चलते हैं, अब इन्होंने बता भी दिया है तरु गबरू कहाँ कहाँ हैं और इस तरह से आपको उनको नचाना है, आगे इनके डिजिट्स बताने हैं, ठीक है. अब आपको बताना है कि बनी का टेंथ जंप कौन से नंबर पे होगा, तो इसके लिए बेटा आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका टेंथ जंप कहाँ होगा, क्योंकि गबरू ने स्टार्ट किया आप देख सकते हो 90 से, ठीक है, गबरू ने स्टार्ट किया 90 से और वो हर 7 डब्बा कूदता है, तो आप खुद सोचो अगर वो 7 डब्बे कूदता है तो टेंथ तक उसका कैसे पहुँचेगा. तो यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूँ गबरू के डब्बे, सॉरी नहीं बनी, बनी बनी का बोला ना, तो बनी 99 पे है और बनी हर 5 डब्बे कूदता है, तो मैं देखूँ तो लिखती हूँ बनी 99 पे पहला डब्बा जंपिंग करता है, फर्स्ट जंप कहाँ होगा उसका बताओ, 104, क्योंकि ऐड 5 करना है आपने, ठीक है. फिर उसका नेक्स्ट जंप क्या होगा, 109, और नेक्स्ट जंप क्या होगा, प्लस 5 कीजिए 114, प्लस 5 कीजिए 119, प्लस 5 कीजिए 124, कितना हो गए, 1 2 3 4 5, 124 के बाद 129, ये सिक्स्थ जंप. सेवन्थ जंप होगी 134, एट्थ जंप होगी 139, नाइन्थ जंप होगी 144, टेंथ जंप होगी 149. तो इसका मतलब बनी का जो दसवां जंप होगा वो 149th नंबर पे होगा, तो आप लिख सकते हो इसका क्या होगा, 149. अब आपने तरु का टेंथ जंप पूछना है बेटा, तरु आप पहली देख रहे हो, तरु स्टार्ट करता है 106 से, अब तरु जब 106 से स्टार्ट कर रहा है तो आप खुद देखो, पहले आप लिखो 106, ठीक है, और तरु चार चार डब्बे उछलता है, उसमें लिखा हुआ था ऑलरेडी, हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था तरु चार चार डब्बे उछलता है, तो सेकंड जंप 110, सेकेंड जंप होगा, ये फर्स्ट जंप होगा 110, सेकेंड जंप होगा 114, थर्ड जंप होगा 118, फोर्थ जंप होगा 122, फिफ्थ जंप होगा 126, सेवेंथ ये ना 1
6th जंप होगा 130, 7th जंप होगा 134, 8th जंप होगा 138, 9th जंप होगा 142 और 10th जंप होगा 146। तो इसमें आप लिख सकते हैं भली भांति 146। और गबरू 10th हाउस क्या कैसे जंप करेगा, तो आप गबरू जाइए, गबरू को ऊपर देखिए, गबरू शुरू हो रहा है 90 से, तो गबरू का 10th जंप कैसे होगा आप खुद सोचो। गबरू सात सात डब्बे छोड़ के चलता है बेटा, तो गबरू अगर सात सात डब्बे छोड़ के चल रहा है और वो 90 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो गबरू सात सात डब्बे छोड़ के चल रहा है और 90 से स्टार्ट होता है, तो पहला 97 में फिर 7 ऐड करो 104, फिर 7 ऐड करो 111, फिर 7 ऐड करो 118, फिर 7 ऐड करो 125, फिर 7 ऐड करो 132, फिर 7 ऐड करो 139, फिर 7 ऐड करो 146। तो दिस वॉज योर फर्स्ट जंप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 146 के बाद फिर 7 ऐड करो 153 में ऐड करो 160। तो ये था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 160 आप इधर लिखोगे, ठीक है ना, थर्ड बॉक्स पे आप तब 160 लिखोगे। अब इसमें पूछा गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर्स 104 डैश एंड डैश। अब बेटा आपको सिमिलैरिटी मैच करनी है, मैंने आपको तीनों के पैटर्न लिख दिए, ठीक है, अब आपने सबको खुद से फेयर कॉपी में लिखा ही होगा, खुद से लिखिए और तीन इनके बीच के सिमिलर नंबर ढूंढ के बताइए कि ऐसे कौन से तीन नंबर सेम हैं जिसमें गबरू, बनी और तरु तीनों कूदे थे, ठीक है। तरु एंड बनी जंप ऑन नंबर्स डैश 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 एंड डैश, इधर चार नंबर लिखने हैं। इज देर एनी नंबर वेयर ऑल थ्री ऑफ देम जंप, कोई ऐसा नंबर है जिसमें वो तीनों जंप करते हैं एक साथ, ठीक है। पहले तो गबरू एंड बनी का सिमिलर नंबर ढूंढने आपने, फिर तरु एंड बनी का ढूंढने सिमिलर नंबर, फिर बोला कि तरु, बनी और गबरू तीनों के सिमिलर नंबर लिखो, कुछ तो होगा एक सिमिलर, सिमिलर मतलब ए सेम, ऑलमोस्ट सेम नंबर होंगे इनके बीच में। गैस हु विल फिनिश इन द लास्ट जंप्स, अब आप बताइए कौन सबसे जल्दी जंप्स में ख़त्म हो जाएगा, डैश इन हाउ मेनी जंप्स, और कितने जंप्स में। ऑफकोर्स जो आपने देखा होगा बनी है शायद, नहीं बनी नहीं तरु, एक मिनट, तरु भी नहीं है, गबरू है, हाँ ऑफकोर्स ये बात है, जो गबरू है, गबरू सात सात बारी छोड़ के चल रहा है, तो बट नेचुरली जो गबरू है वो पहले ही फिनिश कर देगा जंप, है ना, क्योंकि गबरू सेवन सेवन प्लेसेस उछल रहा है, तो बट नेचुरली जितना ज़्यादा प्लेसेस उछलेगा वो उतनी जल्दी पहुंच जाएगा और वो उतने कम जंप्स में पूरा कर पाएगा। चलिए करते हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ ये काम आपने किया है कि नहीं क्लास वर्क नोटबुक में या बुक में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये काम दे रखा है। ये आ गया आपका क्लास जंप, ठीक है, क्लास जंप में क्या क्या होगा, उसके बाद ये पहले एक बारी जंपिंग वाला हो जाए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंडियन करेंसी के ऊपर बताऊँगी और लेज़ी क्रेज़ी शॉप स्टार्ट करूँगी, लेकिन पहले हम इसको ख़त्म कर दें। क्लास जंप में टीचर ने आपको बोला कि बेटा आपको दो दो जंप कूदने हैं, तो 104, 106, 108, 110, 112, 114, 114, 116, तो ये हो गया, दो दो स्टेप आप कूद रहे हो, है ना। जंप टू स्टेप बैकवर्ड, आपको दो दो स्टेप पीछे जाना है, 262, 260, 258, दो पीछे जाओ 256, 254, 252, 10 10 स्टेप आगे बढ़ो,
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड सो ऑन, 10-10 पीछे जाओ, 200, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110 एंड सो ऑन, कंटिन्यू सेम पैटर्न, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640 एंड सो ऑन। उसके बाद आता है ये 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 990, 1000। तो यहाँ पे आपको 1000 भी आता है, ठीक है, इस फिगर में। तो यू शुड पे अटेंशन, और आपको ये सब नंबर नेम्स के साथ आने चाहिए, इनकी स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए, जैसे थाउजेंड्स की स्पेलिंग होती है आपकी THOUSAND, थाउजेंड। फिर ये दो दो स्टेप बैकवर्ड जाने हैं आपने, 209, 207, 205, 203, 201, 199, ठीक है, तो दो दो आप पीछे जा रहे हो। उसके बाद इसमें एक एक ऐड हो रहा है, 401, 402, 403, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, ओके। तो आपको ऐसे ऐसे करके पैटर्न बढ़ाना है। थैंक्स फॉर द वीडियो, इफ यू डू नॉट गेट समथिंग एल्स यू नो अंडरस्टैंडेबल, यू कैन आस्क मी द डाउट, ओके, थैंक यू, चाओ, बाय।